मैं अपनी सेवाओं को जब याद करती हूँ जब मैं वहाँ पांडव भवन में थी और हॉस्पिटल में सेवाएं देती थी तो कैसे दादी जी सबका उमंग उत्साह बढ़ाते थे तो रक्षाबंधन के समय पर हम सभी माउंट आबू में अलग अलग स्थानों पर जैसे स्कूल्स में बैंक्स में हॉस्पिटल में होटल्स में एवं मंदिरों में आश्रम में क्योंकि माउंट में बहुत सन्यासी रहते हैं तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर ग्रुप ग्रुप्स में राखी बांधने के लिए जाते थे तो एक बार <coughs> एक बार मेरे मुझे बैंक में सभी बैंक्स में अमाउंट में जितने भी बैंक्स हैं वो सभी बैंक में राखी बांधने के लिए आ, जाना था आ, हमारे ग्रुप के साथ तो मैंने थोड़ा सा उसको क्रिएटिव किया उस समय आ, कि जब हम बैंक के स्टाफ को पूरा राखी का महत्व बताते थे और फिर उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप जो भी समझते हैं कि हमारी कमज़ोरी है हमें हमें आपसे और कुछ नहीं लेना है लेकिन जो आपकी कमज़ोरी है या कोई व्यसन है आपके जीवन में तो आज के दिन आप हमें एक स्लिप में वो संकल्प लिख कर के वो हमें देंगे मन ही मन करें ऐसे नहीं उस उनसे हमने एक स्लिप में लिखवा लिया और सभी ने बहुत प्यार से लिख के भी दिया और वो सारे स्लिप्स हमने इकट्ठे कर लिए तो काफ़ी हो गया वो मैं आई जब मैं उस समय दादी जी के पास रोज़ रात को सेवा के लिए जाती थी तो दादी कई बार मेरे से आगे से ही होकर पूछते थे कि आज सारा दिन क्या सेवा की है जैसे दादी मेरा चार्ट लेते थे तो जब उस दिन दादी ने मेरे से पूछा तो मैंने दादी को ये सारा समाचार सुनाया कि दादी आज हम बैंक में राखी बांधने गए थे और आज हमने ऐसे अच्छा से किया और सभी ने ऐसे लिख के दिया और मैंने सारी वो चिटकियाँ भी दिखाई दादी को कि दादी देखो और सभी ने बहुत अच्छे अच्छे संकल्प लिख के दिए हुए थे तो दादी भी बहुत खुश हुई है देख कर के कि अच्छा बैंक वालों ने ऐसे ऐसे किया मतलब इस तरह से वो सेवा हुई उनकी फिर दूसरे दिन जब दादी मुरली सुना रहे थे ओम शांति भवन में तो दादी ने कोई बात आई मुरली में राखी के ऊपर तो दादी ने पूरे भरी क्लास में आ, मेरा नाम ले करके दादी वैसे मुझे डॉक्टर बुलाते थे डॉक्टर ऐसे गई थी और पूरा समाचार दादी ने सुनाया जो मैंने रात को दादी को सुनाया तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ क्योंकि हमारे लिए तो बहुत साधारण सी बात थी लेकिन फिर भी दादी ने पूरी क्लास में सुना करके वो जैसे हमारा इतना उमंग बढ़ा दिया कि हमने वो छोटी सी सेवा की और दादी ने उसको कितना मतलब हमारे लिए जैसे कि वो एक उत्साह का कारण बना इतनी खुशी मिली दादी जब दादी ने जब इस तरह उस बात को कहा और कभी भी ऐसे होता था जब पांडव भवन में वी आते थे विजिट करने के लिए और मैं उनको समझाती थी और फिर दादी जी को जब उनसे मिलवाया जाता था तो दादी सभी से बहुत प्यार से मिलते थे ऐसे ही ज्ञान सरोवर के समय ही दादी जी ने एक बार एक स्लोगन दिया था ईच वन वन टीच कि हर एक जो है वो एक भाई बहन एक भाई बहन को अपने समान बनाए जैसे मैंने बताया छ लाख भाई बहने थे उस समय तो अगर ऐसे एक एक को तैयार करेगा तो पूरे साल भर में छह लाख भाई बहने तो वैसे ही तैयार हो जाएंगे डबल हो जाएंगे तो मैंने जब सुना कि दादी जी ने सभी को ये संकल्प दिया है तो मैंने भी सोचा अपने मन में हालांकि मैं हॉस्पिटल में सेवा कर रही थी लेकिन मैंने भी सोचा कि दादी ने कहा है तो मुझे भी करना है किसी को तो वहाँ हॉस्पिटल में अपने आसपास आ, आर्मी कैंपस हैं वहाँ एयरफोर्स भी है सीआरपीएफ भी है और वहाँ के भाई बहने जो हैं मतलब खासकर ऑफिसर्स जो हैं वो कई बार विज़िट करते हैं वहाँ पर तो मुझे उस समय ये अवसर मिला मैंने ये देखा जब हम कोई ऐसा संकल्प करते हैं तो बाबा भी जैसे हम एक हिम्मत रखते हैं तो बाबा भी हमें मदद करते हैं तो उस समय कुछ फ़ैमिलीज आई एयरफोर्स की और उन्होंने कोर्स किया तीन चार फैमिली थे और उसमें से दो तो बिल्कुल एकदम निश्चय बुद्धि हो गए बाबा की मुरली सुनने लग गए वो और फिर मैंने उनको दादी जी से भी मिलवाया तो उस समय ऐसा था जब माउंट से लोकल से कोई भी आकर के क्लास नहीं करते थे यानी कोई भी बाबा के बच्चे नहीं थे तो ये जैसे एक बड़ी बात थी और दादी जी भी उसी उस से मिली उनसे जो भी माउंट आबू की फैमिलीस थी वो आज तक भी भले वो यहाँ से फिर वो ट्रांसफ़र होकर के दूसरी जगह भी चले गए क्योंकि उनकी तो टेम्प्रेरी पोस्टिंग होती है वहाँ पर दो तीन महीने तीन साल के लिए ही होती है आ, लेकिन बाद में भी वो फिर बाबा के बच्चे बन बने रहे और बाबा मिलन में भी आते रहे समय प्रति समय जो भी अपने कार्यक्रमों में वो आ सकते थे वो उसमें आते रहे तो ये दादी जी की जो प्रेरणा मैंने मैं कहूँगी कि दादी जी का जो प्रशासन था और उनका जो सेवा को वृद्धि करने की उनकी जो योजना थी वो इस प्रकार की थी कि सहज ही बाबा की सेवाओं में तीव्र गति से वृद्धि हुई